हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल, ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। आज थर्ड क्लास है, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमी में रिसोर्स जो होते हैं वो स्केयर्स होते हैं, तो सेंट्रल प्रॉब्लम वही है कि रिसोर्स का अलोकेशन कैसे करें। जैसे आप जॉब करते हो, आप 50,000 रुपये महीने कमाते हो, एक तारीख को तनख्वाह मिली, तो आप क्या करते हो, पूरा अपना बजट बनाते हो कि 50,000 रुपये को मुझे महीने में कैसे खर्च करना है। तो आपके मन में ये टेंशन रहती है, यार मुझे ये मकान का किराया भी देना है, ईएमआई, या फिर अगर खुद का मकान है ईएमआई भी देनी है, या आपको बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, आपको अपने लिए मोबाइल भी ख़रीदना है, लैपटॉप भी ख़रीदना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी भी, लेकिन आपके पास रिसोर्स 50,000 है। इसी तरह गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्स क्या है, स्केयर्स होते हैं। गवर्नमेंट बजट लेके आती है रिसोर्स के एलोकेशन के लिए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो एज वी हैव मल्टीपल वॉन्ट्स और विशेस बट ओनली लिमिटेड रिसोर्स टू फुलफिल देम, वी नीड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई डिफरेंट वॉन्ट्स, बट ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑल्सो ड्यू टू स्केर्सिटी वी कैन नॉट एफोर्ड टू वेस्ट दी रिसोर्स। कि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्स होते हैं वो स्केयर्स होते हैं, गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, जैसे गवर्नमेंट को एजुकेशन पर भी खर्च करना है, हेल्थ पर भी खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खर्च करना है, रेलवे पर भी खर्च करना है। तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स कितने हैं, 25 लाख करोड़, जैसे इस साल जो बजट आया था 25 लाख करोड़ का था। लेकिन गवर्नमेंट की क्या इच्छा है कि भाई गवर्नमेंट को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए हर जगह गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना है, तो कैसे करें कि जिससे कि मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर सके। तो तीन मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, कि प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें, प्रॉब्लम ऑफ फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स क्या फुली यूटिलाइज हो, वेस्ट ना हो, और प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स का ग्रोथ होता रहे। जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू 25 लाख करोड़ है, अगले साल 30 लाख करोड़ हो, 35 लाख करोड़ हो, जिससे कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर सके। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के अंदर भी तीन प्रॉब्लम है, तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कि व्हाट गुड्स एंड सर्विस सेल बी प्रोड्यूस, कि क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें, हाउ सेल गुड्स एंड सर्विस बी प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्स में भी तीन प्रॉब्लम है, व्हाट गुड्स एंड सर्विस सेल बी प्रोड्यूस। तो देखिए इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, कि व्हाट गुड्स एंड सर्विस सेल बी प्रोड्यूस, वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड क्लोथिंग हाउसिंग और मोर ऑफ लग्जरी गुड्स, क्या प्रोड्यूस करें, फूड प्रोड्यूस करें, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें, वेदर टू यूज मोर रिसोर्स इन एजुकेशन और हेल्थ और टू यूज मोर रिसोर्स इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विस, एजुकेशन पर खर्च करें या मिलिट्री सर्विस पर खर्च करें, वेदर टू हैव मोर ऑफ कंजम्पशन गुड्स और टू हैव इन्वेस्टमेंट गुड्स लाइक मशीन विच विल बूस्ट प्रोडक्शन कंजम्पशन टुमारो। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना है क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो फूड की शॉर्टेज थी, तो गवर्नमेंट ने क्या है, पहली जो पंचवर्षीय योजना 5-ईयर प्लान आया था उसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया। अभी गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है, अभी फूड की कोई कमी नहीं है इंडिया में, अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है एजुकेशन पर खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना, हेल्थ पर खर्च करना, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम आ रही है जिसमें सभी को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अब जैसे हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, तो पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री सर्विस पर ज़्यादा बजट खर्च करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ पर कम है। तो ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, किस पे ज़्यादा खर्च करें, अगर आपका किसी से वार चल रहा है तो आप मिलिट्री पे ज़्यादा खर्च करोगे, फूड की शॉर्टेज या फूड पे ज़्यादा खर्च करोगे, हाउ सेल गुड्स एंड सर्विस बी प्रोड्यूस्ड, इनको कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर ज़्यादा यूज करना है या मशीन ज़्यादा यूज करना है। आप कोई भी गुड्स बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस बाई एम्प्लॉइंग मोर लेबर और लेस मशीन और मोर मशीन एंड लेस लेबर, तो आपको गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर ज़्यादा यूज करनी है या मशीन। अब आपको ये देखना है कि आपके यहाँ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियस है लेबर पे ज़्यादा फोकस करोगे।
इफ गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड बाई एम्प्लॉइंग मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ कैपिटल इज नोन एज लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप लेबर ज़्यादा यूज करते हो तो लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, अगर आप कैपिटल यानी मशीनरी ज़्यादा यूज करते हो तो इट इज़ कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। और तीसरी प्रॉब्लम है फॉर हुम गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस, कि गुड्स एंड सर्विस किसके लिए प्रोड्यूस करने हैं, पुअर पीपल के लिए या रिच पीपल के लिए। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये हर इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है। अब देखिए कैसे इकोनॉमी डिसाइड करती है, रिसोर्स अलोकेशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्स कैसे अलोकेट होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं वो सारे प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेट कंपनियां वही प्रोडक्शन करती है जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर की डिमांड प्रीफ्रेंस पर डिपेंड होता है क्या प्रोड्यूस करना है। प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, प्रोडक्शन के फैक्टर सारे गवर्नमेंट के पास होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है पब्लिक के लिए क्या ज़रूरी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्स एलोकेशन कैसे होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट से मोटिवेट होता है, कंज्यूमर जो प्रीफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर वही प्रोड्यूस करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता, गवर्नमेंट चाहती है पब्लिक को मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करती है। दूसरी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि जो रिसोर्स है वे उसके अर्स है, तो इसलिए फुल्ली यूटिलाइज करना है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड पे हम एक ही क्रॉप उगाते हैं साल में, अब एग्री लैंड तो लिमिटेड है तो आप साल में एक ही क्रॉप उगाते हो, आपको तीन या चार क्रॉप उगानी है, इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है। तो प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन का मतलब है कि रिसोर्स जो है वो फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए। इसी तरह आपने देखा होगा कि इंडिया में लोग एजुकेटेड है बट खाली बैठे हुए हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी रिलेट्स टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लैंड लेबर कैपिटल। इफ ऑल रिसोर्स इन द इकोनॉमी आर फुल्ली एम्प्लॉयड देन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई ओनली फॉरगोइंग सम क्वांटिटी ऑफ एनदर। अगर रिसोर्स सारे फुल्ली यूटिलाइज हो गए तो आपको अगर एक क्वांटिटी यानी कि आपको अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा प्रोडक्शन फॉरगोन करना पड़ेगा। जैसे आपकी 20,000 रुपये की सैलरी है, आपने पूरा बजट बना लिया 20,000 मुझे इस तरह से खर्च करने हैं कि 5,000 रुपये मुझे मकान का किराया देना है, 5,000 का घर का खर्चा चलाना है, 5,000 रुपये बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है और 5,000 रुपये मुझे सेविंग करनी है। अब मान लो आपने चार जगह आपने पैसा अलोकेट कर दिया, अब आपको चाहिए कि आपको लैपटॉप ख़रीदना है, तो आप क्या करोगे, जो चार जगह आपने पैसा अलोकेट किया वहाँ से कहीं ना कहीं से आप निकालोगे। तो क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाई फॉरगोइंग सम क्वांटिटी ऑफ अदर, बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस एफिशिएंटली, द फैक्टर्स आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, प्रोडक्शन इज बिलो द ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इकोनॉमी टू एंश्योर द स्केयर रिसोर्स डू नॉट रिमेन अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज। तो प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहता है कि जो रिसोर्स है वो स्केयर्स है, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, इफ रिसोर्स लाइक लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी ग्रो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द प्रॉब्लम ऑफ स्केयर्सिटी कैन बी एड्रेस्ड। तो जो रिसोर्स है जैसे लेबर है, तो लेबर को आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, हेल्थ अच्छी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करोगे तो वो अच्छा काम करेगा, तो जो लेबर है। इसी तरह कैपिटल है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन है कम रेट पे मिलेगा तो इंडस्ट्रीली ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, कॉस्ट भी कम होगी। तो प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स कहता है कि अगर रिसोर्स जो है वो ग्रो करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ, तो प्रॉब्लम ऑफ स्केयर्सिटी कैन बी एड्रेस्ड। इफ रिसोर्स फेल टू ग्रो कंट्री कंटिन्यू टू बी अंडर डेवलप्ड, यानी कि आपको जो रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। जैसे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लेके आ रही है।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या होता है? रिसोर्स ऑन ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल आर ऑलवेज लिमिटेड। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अवेलेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एक तरह से बजट है कि आपके पास अगर 20,000 रुपये हैं तो आपको अपना बजट बनाना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बनाना है कि 20,000 रुपये को मुझे किस तरह से खर्च करना है जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। इसी तरह गवर्नमेंट बजट बनाती है कि गवर्नमेंट को जो टारगेट है 8% 9% की ग्रोथ रेट अचीव हो सके। तो गवर्नमेंट वेरियस कॉम्बिनेशन बनाती है कि एग्रीकल्चर पर इतना खर्च करेंगे, एजुकेशन पर इतना करेंगे, हेल्थ पर इतना करेंगे, डिफेंस पर इतना करेंगे। तो इस तरह से ग्रोथ कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अवेलेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्स। फिक्स कॉस्ट, देखिए कॉस्ट दो तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स होती है, जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, आपकी प्रोडक्शन की डिमांड कम हो गई, ये आपकी क्या है कि फैक्ट्री पर ताला लग गया, तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? अब फैक्ट्री पर ताला लग गया तो आप फैक्ट्री का किराया दे रहे हो, वो आपकी क्या फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह आपने लोन लिया बैंक से तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, वो आपकी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। लेकिन आपका प्रोडक्शन बंद हो गया तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अब आप खरीदोगे नहीं, प्रोडक्शन ही बंद हो गया, तो रॉ मटेरियल आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह आप लेबर की छटनी कर दोगे, लेबर आपकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर आप कम कर सकते हो। तो फिक्स कॉस्ट आर दी कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद दी चेंज इन दी लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट दैट डायरेक्टली वेरी विद दी चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई? लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अगर आपका प्रोडक्शन ठप हो गया है तो आप रॉ मटेरियल कम कर सकते हो, लेबर कम कर सकते हो, लेकिन आपको फैक्ट्री का किराया देना है, लोन लिया है इस पर इंटरेस्ट आपको पे करनी करनी है, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। इसी तरह आप कार खरीदते हो या बाइक खरीदते हो तो कार और बाइक का आपको इंश्योरेंस देना ही देना है। अगर आप कार चलाओगे या बाइक चलाओगे तो पेट्रोल डीजल का खर्चा होगा, तो पेट्रोल और डीजल का जो खर्चा है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, उसे आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपकी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इज द पॉइंट एट विच कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज इक्वल आई देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज आपकी फिक्स कॉस्ट, है 40 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 60 रुपये, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई। अब आप 100 रुपये की आपकी कॉस्ट हुई और 100 रुपये में ही आपने बेच दिया तो आप ब्रेक इवन पॉइंट हो गया कि आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो सेल्स एवर बीईपी विल जनरेट प्रॉफिट। अगर आप 120 रुपये में गुड्स बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा और 100 रुपये से कम में बेचते हो तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज इक्वल। अब बात करते हैं शट डाउन पॉइंट की। आप ब्रेक इवन पॉइंट पर हो तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? तो देखिए, अब आप सपोज गुड्स को 60 रुपये में बेचते हो, 60 रुपये में बेच रहे हो, 60 रुपये ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन बंद कर देते हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो इनकर होनी होनी है, फिक्स कॉस्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो व्हेन फर्म इज इंकरिंग लॉसेस बट कैन कवर इट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम इट्स रेवेन्यू देन इट शुड कंटिन्यू द प्रोडक्शन। अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सकते हो, 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, गुड्स को 60 रुपये में बेच सकते हो, तो आपको प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपको इनकर करनी है चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो, 40 रुपये आपका खर्चा होना ही होना है। व्हेन रेवेन्यू कैन नॉट इवन कवर वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपका गुड्स 50 रुपये में बिक रहा है और 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपको क्या है? प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को तो आप इग्नोर कर सकते हो। एट दिस पॉइंट फर्म शुड शट डाउन द प्रोडक्शन। मार्जिनल, का मतलब है एडिशनल कॉस्ट।
मार्जिनल कॉस्ट में एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आप एक यूनिट बनाते थे 60 रुपये की कॉस्ट आती थी, दो यूनिट बनाई तो 80 रुपये की कॉस्ट आ गई, तो एडिशनल कॉस्ट कितनी आई, एडिशनल आउटपुट के लिए एडिशनल कॉस्ट कितनी आई, 20 रुपये। तो 20 रुपये आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट एक तरह से क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एडिशनल या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिजल्टेड ड्यू टू एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट। आपने वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट लगाया तो एडिशनल आउटपुट कितना हुआ, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अब फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इनपुट, हम इनपुट इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे इनपुट क्या है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, विद अदर इनपुट फिक्स, मार्जिनल प्रोडक्ट विल इंक्रीज इनिशियली टिल सर्टेन पॉइंट इज रीच्ड। हम इनपुट इंक्रीज करते जाते हैं तो आउटपुट क्या है, बढ़ेगा सर्टेन पॉइंट तक, आफ्टर विच द रिजल्टिंग एडिशन टू आउटपुट विल स्टार्ट फॉलिंग। तो एक टाइम तक तो आउटपुट आपका बढ़ता जाएगा, आप इनपुट बढ़ाते जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या, आउटपुट आपका डाउन होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वन लेबर इज प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन 8 आवर वर्किंग डे। 8 घंटे में कोई लेबर 80 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी 1 घंटे में 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर वो ओवर टाइम करता है अगले 8 घंटे के लिए, आप कहते हो यार ओवर टाइम कीजिए, देन इनिशियली ही मे प्रोड्यूस 10 यूनिट पर आवर फॉर 2 और 3 आवर। अगले 2-3 घंटे तक तो हो सकता है कि वो 10 यूनिट कर दे, उसके बाद प्रोडक्शन क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू ओवर वर्किंग या ओवर कैपेसिटी। आप ओवर टाइम करते हो, जैसे आप भी पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तो शुरू के 3-4 घंटे तो बढ़िया स्टडी होती है, बढ़िया आप जो भी पढ़ते हो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप जितना, आप क्या है कि दिमाग पे कितना भी जोर लगा लो लिमिटेड ही जाएगा। तो शुरू के घंटों में अच्छा आउटपुट निकलता है, उसके बाद क्या होता है, ओवर कैपेसिटी या ओवर वर्किंग की वजह से आउटपुट कम होता जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। आप एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी जब कंज्यूम करते हो तो जो यूटिलिटी आती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, व्हेन वी गेट मोर और मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी द इंटेंसिटी ऑफ आवर डिजायर फॉर दैट कमोडिटी टेंड टू डिमिनिश। जैसे आपको भूख लगी, आपको भूख लगी, आपने मम्मी को बोला मम्मी भूख लग रही है खाना दीजिए, मम्मी ने जैसे ही आपको खाने की प्लेट दी, पहली रोटी आपने खाई, आपको भूख लगी थी, आप फटाफट खा गए, उस रोटी की यूटिलिटी ज़्यादा थी। दूसरी रोटी आई तो आपकी यूटिलिटी कम हो गई पहली रोटी खाने के बाद, तो उस दूसरी रोटी की यूटिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। अब तीसरी रोटी आई, आपकी क्या है कि भूख कम हो गई है, तो तीसरी रोटी की यूटिलिटी भी कम हो गई। चौथी रोटी आई तो आप हो सकता है मम्मी अब नहीं लूँगा मैं, तो आपकी क्या है, जैसे जैसे आप एडिशनल कंजम्पशन करते जाते हो आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है। तो लॉ सपोज, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन द सेम थिंग, इट स्टेट दैट एज एंड एज मोर और मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं हमारी इच्छाएँ खत्म होती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। CDS 2018 में फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड टेंड टू, एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम इंक्रीज है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी डिमिनिश होगी, बी डिमिनिश। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए। थैंक यू।